कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ, यानी मैक्स मूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालिन विलोचन शर्मा का जन्म डैश में हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था पटना में, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौ राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौ, यानी भारत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, सेन साहब जो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो ऑप्शन आपका यहाँ होगा कौ, यानी बिजनेसमैन या इंजीनियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँचवा क्वेश्चन है कि मदन ने कासू के कितने दांत तोए डाले? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी दो दांत। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध है यूनान से, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सातवां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि हीरो सीमा कहाँ है? तो पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं जापान में, कहाँ पे है, तो जापान आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां देख पा रहे आप लोग कि हिंदी के आदि कवि कौन है? तो यहाँ पे इसके सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सरहपाद। उसके अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौवां देख पा रहे आप लोग कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन नंबर दसवां क्वेश्चन कि बहादुर कौन था? तो बहादुर क्या था, एक नौकर था, ऑप्शन आपका यहाँ पे गौ राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्वेश्चन है कि साहित्य सापेक्ष रूप से क्या होता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी स्वाधीन। अब अगला क्वेश्चन नंबर बारहवां क्वेश्चन देख पा रहे हो कि एथेंस किस महादेश में है? तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क, यानी यूरोप। अगला क्वेश्चन नंबर तेरहवां क्वेश्चन है कि परंपरा का मूल्यांकन की पुस्तक है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ग, यानी राम विलास शर्मा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौदहवां क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज है? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, यानी नर्तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सोलह देख पाए आप लोग कि शंभु महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चाचा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सत्रहवां क्वेश्चन है कि नटरंग पत्रिका का संबंध है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी रंग कर्म से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पाए अठारहवां क्वेश्चन कि अविनियो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी फ्रांस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उन्नीसवां क्वेश्चन है कि ला शत्रुज क्या है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी ईसाई मठ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बीसवां क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि सुकुमार गंधर्व है, तो ये कौन है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी शास्त्रीय गायक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इक्कीसवां क्वेश्चन है कि यथासंभव में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अव्ययीय भाव समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बाईसवां क्वेश्चन है कि अपवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी अप। अब अगला क्वेश्चन है कि संत मछली लेकर क्यों भागा? तो क्यों भागा था, ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौबीसवां क्वेश्चन है कि झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में तीन मछलियाँ थी, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पच्चीसवां क्वेश्चन कि बिस्मिल्ला खां के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गौ, यानी कमरुद्दीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर छब्बीसवां क्वेश्चन है कि नियमत का एक अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर गौ, यानी वरदान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सत्ताईसवां क्वेश्चन है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? पता होगा सबको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बी हो जाएगा, यानी अंग्रेजी भाषा के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 28वां क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के रचनाकार है, तो हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29वां क्वेश्चन गुरु नानक किस काल के कवि है? तो गुरु नानक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी भक्ति काल के कवि है। अब 30वां क्वेश्चन कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह डैश ने किया, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, यानी गुरु अर्जुन देव। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है कि मिस्र में से किन्हें प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करो तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी घनानंद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32वां क्वेश्चन है कि हिरोशिमा कवि के कवि है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी आगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33वां क्वेश्चन कि आत्मजयी किनकी रचना है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, यानी कुंवर नारायण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34वां क्वेश्चन है कि हमारी नींद कवि के अनुसार देवी जागरण कहाँ हुआ था? तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी गरीब वस्तियों में।
उसके बाद क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन कि लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कवि में उल्लू कहाँ बोलता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कपास के पेड़ पर। उसके बाद क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन कि रैनर मारिया रिक्के किस भाषा के कवि है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ख नंबर यानी जर्मन भाषा के। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिक्के की कविता का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया, तो यहाँ पे इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी धर्मवीर भारती। अब अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 38 क्वेश्चन कि नगर कहानी के रचनाकार कौन है, यानी यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क हो जाएगा यानी सुजाता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो विसर्ग संधि का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी निरंतर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो पता होगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे गौर 8 हो जाएगा यानी 5 भेद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि राजकुमार शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें समास की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन कि कलेजा कांपना मुहावरे का अर्थ होता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ यानी डर से काँप जाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन है कि श्री गणेश होना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी प्रारंभ होना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है कि आयात का विलोम होता है, तो आयात का विलोम होता है निर्यात यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग 45 क्वेश्चन कि कुटिल का विलोम होता है, तो कुटिल का विलोम क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी सरल होता है, कुटिल का क्या होता है सरल आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन देख पा रहे आप लोग कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द है, इन तीनों में से कौन चारों में से कौन पत्थर का पर्यायवाची होगा, तो सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख यानी पाषाण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो इन चार में कौन होगा, तो सही आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा यानी पीयूष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन यानी आपका क 48 का राइट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो समझौता में आपका सही आंसर होगा ख यानी औता जो यहाँ पे लगा हुआ है ये प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क यानी सु। तो यहीं तक क्वेश्चन था, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे पूरी तरह से एक बार में समझ में आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए। तो यहीं तक वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।